भारत की बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्वाति मेहता। पढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सबसे पहले खबर दिल्ली से। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। इस बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष, अमित शाह रहेंगे मौजूद। आपको बता दें कि आज बीजेपी की बैठक है जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि लोकसभा में कमजोर सीटों को लेकर आज मंथन होगा। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। ये दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। इस बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष, अमित शाह जैसे कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा में कमजोर सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा, चर्चा। दिल्ली से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज बीजेपी की बैठक है। इस बैठक में मंथन होगा, कमजोर सीटों को लेकर मंथन होगा, और इस बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष, अमित शाह के सदस्य सहित और भी कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे, और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में हो सकती है चर्चा। आपको बता दें कि लगातार चुनाव की तैयारियों का सिलसिला जारी है। लगातार पार्टियों के द्वारा तैयारियां की जा रही है, और अब आज बीजेपी की बैठक है, जहां पर इस बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष के साथ अमित शाह और उनके साथ ही और भी कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कमजोर सीटों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ कमजोर सीटों पर भी चर्चा होगी और उस पर मंथन किया जाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जल्द आने वाले चुनावों को लेकर अब मंथन शुरू हो गया है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, और अब कमजोर सीटों को लेकर उस पर मंथन पर आज बीजेपी के द्वारा बैठक की जा रही है। इस बैठक में कई बड़े नेता शामिल होंगे। जेपी नड्डा, बीएल संतोष, अमित शाह के सहित और भी कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, अमित शाह इस बैठक में रहेंगे मौजूद। इस पर हमारे साथ जुड़े हैं रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे। अमित जी, आज बीजेपी की बड़ी बैठक है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में कमजोर सीटों पर मंथन होगा, उस पर चर्चा होगी, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? 2024 की रणनीति जो है वो खासतौर बीजेपी लगातार बना रही है और इसे लेके बैठकों का दौर जारी है, और आज की जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि कई केंद्रीय मंत्री इस बैठक में इन्वॉल्व होंगे। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक मौजूद होंगे, इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बीएल संतोष भी रहेंगे। इस बैठक में जो खासतौर पर इसका जो चर्चा का विषय है वो इस बात को लेके है कि आखिरकार बीजेपी लगभग 150 सीटें थी जहां पे बीजेपी अपने आप को कमजोर स्थिति में महसूस कर रही थी, यानी बीजेपी दो नंबर की पार्टी भी नहीं थी। तो ऐसे में इन सीटों को लेके यहां पे आज चर्चा होगी कि आखिरकार पार्टी अपने आप को इन सीटों पे कैसे मजबूत करे, और यही वजह है कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इनमें खास तौर पे सीटें उन राज्यों में जहां बीजेपी जो है बीजेपी काफी कमजोर पार्टी है, बीजेपी अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, ऐसे राज्यों को लेके खासतौर पर आज मंथन होना है। जी तो अमित जी, इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी, इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर और भी चर्चा हो सकती है, वो क्या मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है? देखिए, विषय में वही है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिस तरह से बिहार सीएम नीतीश कुमार इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और कल उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात करी थी, उसके बाद आज जो है वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कन्वेनर है, उनके साथ ही लेफ्ट के तमाम नेताओं सहित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर विपक्ष अपने आप को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, लगातार कवायद, चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, तमाम लोगों की तरफ से इस तरह कवायद चल रही है।
और ऐसे में बीजेपी को भी ये सोचना होगा कि आखिरकार कैसे वो न सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ाएं बल्कि विपक्ष भी एकजुट ना हो। जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होता बीजेपी की रणनीति जो है वो सफल होती रहेगी, ये बात खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं। और यही वजह है कि बीजेपी को न सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाना है बल्कि विपक्ष को भी ध्यान देना है कि किस तरह से चीजें जो बिहार में हुई है वो इस तरह की चीजें जो है वो खासतौर द्वारा देखने ना मिले। तो चर्चा का विषय जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसके इर्द गिर्द बीजेपी की रणनीति भी चल रही है और विपक्ष की भी रणनीति चल रही है। जी अमित जी, इस खबर के लिए शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी की बड़ी बैठक है, इस बैठक में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में लोकसभा में कमजोर सीटों को लेकर चर्चा होगी, उस पर मंथन होगा। इस बड़ी बैठक में बीएल संतोष, अमित शाह के साथ कई बड़े नेता शामिल होंगे।